राधे राधे मित्रों, नवरात्रि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हिंदी नववर्ष की भी शुरुआत होती है। इस बार रविवार के दिन से शुरू हो रही है नवरात्रि और इसमें बन रहा है एक बहुत अनूठा सा योग। ये योग है सर्वार्थ सिद्धि योग। इस नवरात्रि की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग बनने के साथ हो रही है, जिसे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार के दिन से नवरात्रि का आरंभ होने से भगवान सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे इन दिनों किए हुए आपके सभी प्रयास निश्चय ही सफल होंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर संभव प्रयास करते हैं। व्रत, पूजा, अनुष्ठान आदि किए जाते हैं ताकि माँ उन पर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद भक्त को प्राप्त हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा? नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का वाहन क्या होगा? शास्त्रों में इसे लेकर एक नियम है। नियम कुछ इस प्रकार है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौ में तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात नवरात्रि शुरू होने पर अगर रविवार हो या सोमवार हो, यानी आप नवरात्रि अगर रविवार या सोमवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। अगर ये शनिवार और मंगलवार से शुरू होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। अगर गुरुवार या शुक्रवार से होती है तो पालकी में सवार होकर आती हैं, और अगर बुधवार होती है तो माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। इस बार पहला नवरात्र रविवार को पड़ रहा है, इसीलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। दोस्तों, इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं और साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग चढ़ाकर माँ का आशीर्वाद भी पाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं 9 तिथि पे 9 देवियों को किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए, जिससे वे आप पर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सबसे पहले दिन माँ शैलपुत्री का दिन जिसे माना जाता है, इस दिन सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए और अगर ये चीजें गाय के घी में बनी हो तो और भी श्रेष्ठ होंगी, क्योंकि ये व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाएंगी। यानी इस तरह का भोग लगाने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसे उसकी हर तरह की बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। तो प्रथम दिन यानी माँ शैलपुत्री के दिन सफेद चीजों का और गाय के घी में बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन जिसे माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना जाता है, इस दिन मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। इन चीजों का दान भी करें, इससे आपको लंबी आयु और सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी माँ चंद्रघंटा के दिन दूध और उससे बनी हुई चीजों का भोग लगाना चाहिए और इसे दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से माँ खुश होती हैं और सभी दुखों का नाश करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन यानी माँ कूष्मांडा के दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, साथ ही साथ खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ ही साथ निर्णय क्षमता भी अच्छी हो जाती है। नवरात्रि के पांचवें दिन यानी माँ स्कंद माता के दिन पूजा करके भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से भी मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी के दिन देवी को पूजन में मधु चढ़ाना चाहिए। मधु यानी शहद का प्रसाद आपको लेना चाहिए। इस दिन मधु का प्रयोग करने से प्रसाद में साधक को सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है।
नवरात्रि का सातवां दिन यानी माँ कालरात्रि का दिन, इस दिन भगवती की पूजन में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाता है, यानी उसके हर प्रकार के शोक का नाश हो जाता है। नवरात्रि के आठवें दिन यानी माँ महागौरी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए और नारियल को सर से घुमाकर बहते हुए जल में अर्पित कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के नौवें दिन यानी माँ सिद्धिदात्री के दिन माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर और पुए, और फिर उसे गरीबों को दान कर देना चाहिए। इससे जीवन में हर प्रकार की सुख और शांति मिलती है। तो नवरात्रि के नौ दिनों में ये भोग लगाइए आप माता रानी को, निश्चय ही वे आप पे प्रसन्न होंगी, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।